चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मी 11X की। तो दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे क्या खास फीचर्स के साथ आता है स्मार्टफोन, क्या है वास्तव में एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। सो हे गाइस, मैं हूँ रेयान, आप देख रहे हैं टेक्नो रेयान। तो दोस्तों, ब्लैक कलर का बॉक्स सिल्वर स्टाइलिंग में कुछ इस तरीके का है। मी 11X का बॉक्स, 5G कनेक्टिविटी, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। ऊपर आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है मेड इन इंडिया, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको ओपन। सो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें मिल जाता है ये एक और ब्लैक कलर का वेलकम बॉक्स डिज़ाइन बाय Xiaomi। और दोस्तों, यहाँ रखा हुआ है एक सिम इजेक्टर पिन। और दोस्तों, यहाँ बॉक्स को खोलते ही नीचे की तरफ हमें मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन। और दोस्तों, यहाँ रखा हुआ है ये एक ट्रांसपेरेंट TPU केस। दोस्तों, एक काफ़ी सॉफ्ट सा TPU केस है, बट इतना कुछ ख़ास नहीं है। और दोस्तों, ये है हमारे पास USB Type-C 2 3.5mm हेडफोन अडेप्टर। दोस्तों, हमने Mi 11 Lite की अनबॉक्सिंग करी थी, उसमें भी हमें 3.5mm जैक नहीं देखने को मिला था। और दोस्तों, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमें 3.5mm जैक देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक ये शायद अब 25,000 से ऊपर वाले जितने भी फ़ोन्स हैं उनमें 3.5mm जैक शायद देना बंद करती जा रही हैं। और दोस्तों, यहाँ हमें नीचे की तरफ रखा मिल जाता है ये स्मार्टफोन। काफ़ी बेटर लग रहा है दोस्तों, रखते हैं इसे साइड में दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट के सेक्शन में हमें रखा मिल जाता है ये 33W की चार्जर। और दोस्तों, ये है USB Type-A to Type-C केबल। दोस्तों, सब कुछ रखते हैं साइड में। नाउ कम्स टू द फोन। सीरियसली दोस्तों, फ़ोन देखिए कितना ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट फील होता है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो वेट है दोस्तों 196 ग्राम है। और दोस्तों, जो इस फ़ोन की थिकनेस है वो 7.8mm है। दोस्तों, इस फ़ोन की थिकनेस को काफ़ी कम किया गया है। और दोस्तों, साइड में जो इस फ़ोन में स्टील का फ्रेम यूज़ किया गया है दोस्तों, इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। और दोस्तों, बात करूँ इस फ़ोन के बैक की, तो दोस्तों वाकई में काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट बैक दे रखा है। ये हमारे पास में लूनर वाइट कलर का वेरियंट अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा शाइनी और हल्का सा मैट फील होता है। और इन एंड फील के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके हाथों में ग्रिप हो जाता है, हैंडी फील होता है, इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं लगता हाथों में और थोड़ा सा टॉल है, बट इजीली आप इसको अपने हाथों में ग्रिप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन की तरफ देख लेते हैं। यहाँ नीचे की तरफ हमें मिल जाता है सिम ट्रे, लेट मी चेक। दोस्तों, ये एक नैनो सिम ट्रे है, इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड का एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है, इसमें आप सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं। यहाँ मिल जाता है टाइप सी पोर्ट और ये है प्राइमरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। और यहाँ मिल जाती है हमें स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमें मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और यहाँ ऊपर हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर। और दोस्तों, बात करें टॉप एंड की, तो टॉप एंड पे हमें मिल जाता है ये स्पीकर ग्रिल और यहाँ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं IR ब्लास्टर Xiaomi के मैक्सिमम फोन्स में आपको देखने को मिल ही जाता है। लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों पूरे तरीके से क्लीन है। और दोस्तों, बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड पे हमें एक थर्ड नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, जो कि जब हम वीडियोस वगैरह शूट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियोस वगैरह में नॉइस को रिमूव करने के लिए। और दोस्तों, जब भी आप कॉल पे रहते हैं, नेटवर्क के थ्रू बातें करते हैं, तो ये नॉइस कैंसिलेशन माइक उसमें भी आपकी हेल्प करता है, जो एनवायरनमेंट की नॉइज़ होती है उसको काफ़ी हद तक कम करता है। चलिए दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा डिस्प्ले है, 6.67 इंच का सुपर एमोलेड E4 डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों। ये सैमसंग का दोस्तों लेटेस्ट डिस्प्ले है। और दोस्तों, बात करें इसके ग्लास की, तो फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। सो दोस्तों, आपका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेहतर होने वाला है, चाहे वो डे टू डे टास्क में हो या फिर गेमिंग में।
एंड दोस्तों कलर्स के बारे में बात करूं तो 10 बिट का ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसमें आपको ओवर द 1 मिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी एंगल से इस फ़ोन के कलर्स को देखते हैं तो ये हर एंगल से काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड कलर रिप्रेजेंट करता है, तो काफ़ी अच्छे और वाइब्रेंट कलर आते हैं दोस्तों इस फ़ोन में। और दोस्तों बात करें इसके बेजल्स की तो देखिए कितने ज़्यादा थिन है इसके बेजल्स, और दोस्तों नीचे इसका चिन भी काफ़ी ज़्यादा लो है। और दोस्तों बात करें इसके पंच होल की तो देखिए कितना ज़्यादा छोटा पंच होल है। नॉर्मली पंच होल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इस फ़ोन का पंच होल बहुत ही ज़्यादा है, टाइनी डॉट की जैसा है पंच होल इस फ़ोन का। ओके दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस दोस्तों। और दोस्तों ये स्नैपड्रैगन 870 पे बेस्ड है, जो कि प्रीवियसली 865 से 12% ज़्यादा एफिशिएंट है दोस्तों। और दोस्तों इसमें LPDDR5 रैम टाइप आपको देखने को मिल जाता है, और दोस्तों स्टोरेज टाइप में आपको UFS 3.1 देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ये फ़ोन डेफिनेटली आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 870 बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथली रन करता है, और UFS स्टोरेज जो है 3.1 का लेटेस्ट है, तो ये काफ़ी अच्छे से मेमोरी को रीड करता है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को इस फ़ोन में मिल जाएगी। और दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 4520mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों बात करें इसके चार्जिंग टाइम की तो आप 0 to 30 मिनट में इसे 50% तक चार्ज कर सकते हैं, और दोस्तों 55 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI दोनों गेम खेल के देखे, तो मुझे कहीं भी ऐसा लैग नज़र नहीं आया। और अगर मैं बात करूं इस पे हायर सेटिंग्स पे गेम की, तो डेफ़िनेटली आप हायर सेटिंग्स पे गेम को खेलेंगे तो आपको ऐसा कोई लैग नज़र नहीं आएगा, और इसमें 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो डेफ़िनेटली आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज रियली रियली डिसेंट। चलिए दोस्तों OS के बारे में बात कर लेते हैं। तो MIUI 12.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 11। और दोस्तों पहले के जो वेरिएंट आते थे उसमें MIUI 12.0 आता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लैगी था, लेकिन दोस्तों अभी इन्होंने हाल फिलहाल में MIUI 12.5 के साथ इसे लॉन्च किया है, तो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा OS देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो आपको सभी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, विच वर्क्स वेरी फास्ट। फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और दोस्तों एडिशनली आपको ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि IR ब्लास्टर का क्या काम है। Xiaomi इसे अपने हर फ़ोन में देता है, और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स के साथ ये IR ब्लास्टर आता है। चलिए दोस्तों कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पीछे की साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, और दोस्तों 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों 5 मेगापिक्सल का ये मैक्रो शॉट है आपको रियली इंप्रेस करेगा, क्योंकि इससे फोटोज़ वगैरह काफ़ी डीप और डिटेल्ड आती हैं। और दोस्तों बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों यहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, आप उन्हें देखिए और इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इस फ़ोन का कैमरा किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों बात करें कैमरा ऐप के बारे में तो यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है, जिसमें एक आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह अपने वीडियोस को अपने फ़ोटोज़ को ऑलरेडी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों यहाँ आपको ऊपर में फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 4K 30fps तक कर सकते हैं रियर कैमरे से, और दोस्तों फ्रंट कैमरे से आप 1080 पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड मिल जाते हैं आपको देखने, जैसे नाइट मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो शूट करने का मिल जाता है, पैनोरामा इफ़ेक्ट मिल जाता है, अगर आप व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा शूट करते हैं तो यहाँ पे आपको व्लॉग्स के फ़ीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपने व्लॉग को शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन मिल जाता है दोस्तों, डुअल वीडियो मिल जाता है, और दोस्तों मूवी इफ़ेक्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप लॉन्ग एक्सपोजर मूवीज़ वगैरह को शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी डिसेंट तरीके से इस कैमरा ऐप को इन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इसका कैमरा जो है काफ़ी इंप्रेस करने वाला है। मल्टीमीडिया में दोस्तों बिकॉज ऑफ दोज कलर्स, बड़ी स्क्रीन, पतले बेजल, जो इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आता है ना, दैट इज़ वेरी गुड। अगर दोस्तों स्पीकर्स के बारे में बात करूँ ना तो स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि लाउड भी हैं और काफ़ी क्लियर हैं।
यू विल डेफिनेटली इन्जॉय द मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑन मी 11X। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको मिलता है, डुअल वोल्टी मिलता है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है यानी कि आपको 4G प्लस बैंड देखने को मिलेगा, नेविक का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, BT 5.1 डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो IP53 का सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है यानी कि अगर छोटी मोटी बारिश की बौछारों में अगर आप इस फ़ोन को लेके जाते हैं तो ये डेफिनेटली वहाँ सर्वाइव कर जाएगा। Cam 2 API का सपोर्ट मिलता है यानी कि आप इसमें गूगल कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है यानी कि आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम को फुल HD में स्ट्रीम कर पाओगे। सो इट इज़ ऑल द फीचर दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन अ प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन। सो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं किसको ये फ़ोन लेना चाहिए तो फ्लैगशिप प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट, अगर आप हैवी गेमर हैं, ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिलता है तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। बड़ी स्क्रीन मिलती है आपको इसमें, ब्राइट डिस्प्ले मिलता है, अच्छे कलर कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, आपका इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरा की तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 सेंसर देखने को मिलता है जो कि हमने प्रीवियसली रेडमी नोट 10 सीरीज़ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। इतना बेहतर कैमरा नहीं है लेकिन दोस्तों ठीक ठाक फोटोज़ क्लिक करके दे देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग और परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपको इम्प्रेस करेगा। सो दोस्तों ये था मेरा ओवरव्यू मी 11X के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।